एक तरह से देखा है तो ये विसर्जन कुंड बनाया गया था, जो कि ये देख रहे हैं पूरा पानी जो है ये पूरा काला हो चुका है और कूड़ा कबाड़। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने वाराणसी के रविदास घाट के पास। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है रविदास घाट। और जैसा कि मैं लगातार आपको मैं अपडेट दे रहा हूं गंगा का जल स्तर का, तो फिर से मैं आपको दिखाने वाला हूं रविदास घाट के नज़ारे। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे, ये है गंगा नदी और रविदास घाट से ही सटा हुआ यह जो देख रहे हैं जलकुंभी जो है, ये जलकुंभी ये जो ठहरा हुआ नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं ये देख रहे हैं ये एक नदी है और इस नदी का नाम है अस्सी नदी, जो कि वरुणा नदी और अस्सी नदी के नाम से ही मिलकर अपना वाराणसी नाम रखा गया है, जो वाराणसी का नाम है। फिलहाल देखा है तो इन दो नदियों का बहुत ही बुरा हाल है, इसमें पूरे शहर का गटर जो है इसी में पूरा बहता है। और ये है रविदास घाट का दृश्य कुछ इस प्रकार। और यही घाट है, यही से जो नावें जो हैं वीआईपी जो चलते हैं वो यही से चलता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सामने है भागीरथी और आगे है अलकनंदा, तो ऐसे ही बहुत सारे जो सीप हैं वो यही से चलते हैं। ये देख रहे हैं फ्लोटिंग जेटी लगा हुआ है, यानी कि बोट पर चढ़ने के लिए। और इस साइड है रविदास पार्क। ये देख रहे हैं कुछ लोग हैं जो कि जलकुंभी को जो है वो लोग हटा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने। इस साइड देखिए ये है अलकनंदा, जैसा कि मैं बात कर रहा था। कुछ लोग हैं देखिए इसमें बैठ चुके हैं, शायद ये कुछ मिनटों में गंगा नदी में नावें चले, क्योंकि वैसे दिखा है जो बोट है वो तो गंगा नदी में इसमें प्रतिबंधित किया गया है, नहीं चल रहा है। आगे बढ़ने के बाद कुछ लोग हैं जो कि रविदास घाट पर स्नान कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय देखिए गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, बहाव भी काफ़ी ज़बरदस्त है। कोशिश कीजिए कि इस समय जो है वो गंगा नदी में न नहाएं तो बेहतर रहेगा। ये देख रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कि इसी में कपड़ा भी कचार रहे हैं, जो कि दिखाया तो गंगा नदी में कपड़ा कचारना वो भी सर्फ या फिर साबुन से पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन अब बहुत से लोग जो कि मानते नहीं हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे उदाहरण। और इस साइड भी देखिए एक है स्वामी विवेकानंद सीप, दो है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और वही दिखाया तो एक कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता से आप सीधे चले जाएंगे, इस साइड है अस्सी घाट के लिए। ये देख रहे हैं जलकुंभी का जो है सफाई चल रहा है। ये देख रहे हैं इस साइड है भागीरथी। कुछ लोग जो कि यहाँ पर जो जलकुंभी लकड़ी जो जमा है उसे भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों अभी मैं रविदास घाट से पहुंच चुका हूं सामने घाट। ये देख रहे हैं ये जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, यहां पर बनाया जा रहा है एक नया घाट। हालांकि देखा है तो लगातार जो है गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर जो कार्य है वो लगातार हो रहा है। चलिए लेकर चलते हैं। और ये देखिए ये है जज कोठी। चलिए इस साइड से हम लोग बढ़ते हैं। वहाँ पे
ये देखिए, ये चुनार का पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देख रहे हैं। और ये है जज कोठी का पिछला वाला हिस्सा। चलिए इसी साइड से हम लोग चलते हैं नीचे। फिलहाल इसका अभी कोई मेन अभी रास्ता नहीं है, अभी तो घाट बनाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कि देखिए यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। ये देखिए लगातार जो है गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और कुछ लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और ये देख रहे होंगे जो कि घाट का निर्माण। और दोस्तों जिस प्रकार देखिए इस साइड घाट का निर्माण कार्य चल रहा है, उसी प्रकार ठीक सामने यानी कि रामगढ़ किला के बगल में उस साइड भी कार्य चल रहा है। तो चलिए मैं उस साइड से आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी मैं पहुँच चुका हूँ रामनगर। ये देख रहा हूँ कि रामनगर किले का हिस्सा है पीछे का, और ये है रास्ता आने के लिए रामनगर घाट पर। ये देखिए ये है, और इस साइड है शिव जी का मंदिर, ये देख रहे हैं। तो चलिए इस साइड से हम लोग चलते हैं घाट किनारे। फिलहाल देखा है तो जो कंस्ट्रक्शन का जो कार्य चल रहा था वो पूरी तरह से बंद हो गया है, और जो घाट का निर्माण कार्य चल रहा था वो बाढ़ में डूब चुका है। और जगह जगह देखेंगे तो इसी प्रकार का बोर्ड लगा हुआ है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे बोर्ड पर। और उसी प्रकार देखिए इस साइड भी है, ये देख रहे हैं। हालांकि जो घाट का निर्माण है वो काफ़ी तेज़ी गति से चल रहा था, फिलहाल गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से आपको मालूम भी नहीं चल पा रहा होगा कि आखिर घाट का निर्माण कहाँ चल रहा था। ठीक है, फिलहाल देखिए ये सीन कुछ इस प्रकार है। कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, और जैसा कि मैं बात कर रहा था ये इस साइड देख पा रहा हूँ कि ये जो टोटल पूरा जो हिस्सा देख रहे हैं ये रामनगर किले का पूरा पीछे वाला हिस्सा है। चलिए इस साइड से चलते हैं। और कुछ महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर इस घाट पर स्नान करते हुए आपको नज़र आ रही होंगी। और ये देख रहे हैं इस साइड पूरा पत्थर आया हुआ है घाट का निर्माण करने के लिए। फिलहाल देखिए जो घाट का निर्माण कार्य चल रहा था वो चल रहा था इस साइड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो कि ये देख रहे हैं मिट्टी बालू का ढेर जो जमा है। फिलहाल जो कार्य है वो रुक चुका है। फिलहाल देखिए यहाँ पर एक कुंड बनाया गया था, एक तरह से देखा है तो ये कुंड इसलिए बनाया गया था यानी कि ये देख रहे कूड़ा कबाड़ पहले देख लीजिए, वही मैं देख के काफ़ी दंग रह जा रहा हूँ कूड़ा देख कर। एक तरह से देखा है तो ये विसर्जन कुंड बनाया गया था, जो कि ये देख रहे हैं पूरा पानी जो है ये पूरा काला हो चुका है और कूड़ा कबाड़ पूरा फेंका हुआ है और पानी बदबू कर रहा है। ये देख रहे हैं, और ये है शास्त्री पुल जिसे रामनगर पुल के नाम से भी जाना जाता है। और बोट एक लाइन में खड़ा, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। इस साइड जो पुल देख रहे हैं ये है विश्व सुंदरी पुल। और देखिए जो घाट का निर्माण कार्य चल रहा है वो सामने। फिलहाल देखिए उस साइड से मैं आ चुका हूँ इस साइड, यही साइड का सीन कुछ इस प्रकार है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देख रहे होंगे जो कि कुछ लोग जो कि जाली को नाव में से इस साइड लेकर आ रहे हैं। ये देख रहे हैं ये मछली पकड़ने वाला जाल है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।